रीवा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की घोषणा आखिरकार 15 माह के लंबे इंतजार के बाद हो ही गई। बताया गया है कि भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने गुरुवार की देर रात सूची जारी कर दी है, जो शुक्रवार को सोशल मीडिया में 2 सितंबर की तारीख लिखकर वायरल हुई है। इस बार जिला कार्य समिति में कुल 23 पदाधिकारी रखे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 9 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं 8 विधानसभाओं वाले जिले में 7 जगहों से एक एक को मंत्री बनाया गया है, जबकि 3 महामंत्री व 1 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री व 1 सह कार्यालय मंत्री बने हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सिरमौर से पुष्पेंद्र सिंह को जिला भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर पुष्पेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह ने। नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सिरमौर से कुमार पुष्पेंद्र सिंह है। इनको संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनाया। यूं तो ये कई बार संगठन में बड़े पदों में काम कर चुके हैं और भाजपा के लिए माहौल बना चुके हैं। आज हमारे साथ खुद कुमार पुष्पेंद्र सिंह मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है उनका? पहले आपका एशियन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने 1984 में मैं सीख पढ़ाई पूरी करने के बाद माननीय अदालत अमरेश्वर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य 84 में बना। इसके बाद मैं 86 में सक्रिय सदस्य बना। सक्रिय सदस्य बनने के बाद मैं लगातार पार्टी में विभिन्न दायित्वों में काम किया। मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा 2006 से लेकर 10 तक, 2010 से 14 तक मैं जिला मंत्री के पद पर रहा। 2009 से लेकर और 2018 तक मैं सिरमौर सहकारी समिति का अध्यक्ष भी रहा। मैं 6 बार विधानसभा का प्रभारी भी रहा और 2 बार बिराज सिंह जी का निर्वाचन अधिकर्ता भी पूरे विधानसभा क्षेत्र का रहा। मैंने संगठन में हमेशा अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया है। कहीं कोई किसी तरह का संगठन के प्रति मेरे ऊपर किसी तरह का अभियोग नहीं लगा कभी पूरे जीवन में। सभी नेताओं का और सभी अधिकारियों का हमेशा सैद्धांतिक रूप से समर्थन मिलता रहा। मैं आज भी उसी पथ पर चलने का प्रयास करता हूं और संगठन को मजबूत बनाने की हमेशा प्रयास करता हूं। जो जिम्मेदारी मिली है उसको निष्ठापूर्वक निभाने का, अपने कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करने का वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद। और दूसरी चीज ये है कि रीवा जिले में बेरोजगारी, बिजली कटौती, महंगाई एक अहम मुद्दा हो गया है। आपकी पार्टी आपकी सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, तो क्या क्या कुछ आप चुनौती मानते हैं इसको? कुछ चुनौतियां तो होती हैं, जब कुछ ना कुछ चुनौतियां सामने आती हैं तो उनको पूरा करने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर कार्य पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से संगठन में जिस तरह की हमारे पास सुझाव आएंगे उनको हम सत्ता के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठने का और समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोक कल्याण में किसी तरह की कोई बाधा न हो और जनहित के मुद्दे का सुचारू रूप से सुझाव और समाधान हो और समाधान होने के उपरांत हम एक जनता में एक ऐसे भाव पैदा कर सकें जिससे हमारी सरकार प्रदेश और देश में लगातार बनी रहे। दूसरी चीज, अभी करीब 1 से 1.5 साल विधानसभा चुनाव होने में है, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्या कुछ आपका मानना है उसमें? नहीं, संगठन जो काम कर रहा है, संगठन निश्चित रूप से हमारा जिले का जो संगठन है, माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से युवा हैं, कर्मठ हैं और उनके अंदर एक लगन है काम करने की और काम हो रहा है। उसी दिशा में जो भी कार्य सामने आएंगे उनको पूरा करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। जैसा उनका मार्गदर्शन होगा, जैसा उनका हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा निर्देशन होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं और पार्टी को और संगठन को एक नई ऊंचाई में ले जाने का पूरी तरह से प्रयास होगा। तो ये थे भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता कुमार पुष्पेंद्र सिंह। इनका साफ तौर पर करना है कि संगठन ने जो हमें जिम्मेदारी की है उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। एशियन भारत से सिरमौर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।